बड़े पैमाने पर काले धन की जब्ती का सिलसिला चल रहा है। आयकर विभाग और तमाम एजेंसियां मुस्तैदी से इस काम में जुटी हुई हैं। देश की जनता भी काले धन के मालिकों का पर्दाफाश करने में पीछे नहीं है और बढ़ चढ़कर ऐसे लोगों की सूचना सरकार से साझा कर रही है। देश भर से काले धन को पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और CBI लगातार काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देश भर से बड़ी मात्रा में सोना और नकदी बरामद हो रहा है। अभी तक CBI ने 8 नवंबर के बाद से काला धन रखने वालों के खिलाफ 25 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं, जिनमें बैंक से लेकर डाकखाने तक शामिल हैं। कई लोगों को CBI गिरफ्तार कर चुकी है। CBI ने चेन्नई के डिप्टी लेबर कमिश्नर को भी गिरफ्तार किया है, जो काम के बदले रिश्वत मांग रहा था। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने करीब आधा किलो सोना पकड़ा है। यात्री बैंकॉक से सोना लेकर आ रहा था। कस्टम विभाग ने आयकर विभाग को जानकारी दे दी है। कर्नाटक पुलिस ने 11.5 लाख की नई करेंसी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 2000 के नए नोट थे। मामले की जांच अब आयकर विभाग कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के फोन और वेबसाइट पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने काले धन के खिलाफ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर काला धन रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 16 दिसंबर को काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की, blackmoneyinfo@incometax.gov.in। इस पर अभी तक 14,000 से ज्यादा शिकायतें लोग दर्ज करा चुके हैं। मात्र 10 दिनों के अंदर 14,000 से ज्यादा शिकायतें ये बता रही हैं कि काले धन के खिलाफ चल रही मुहिम में आम लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। काले से सफेद के खेल में नोएडा के कुछ बिल्डर भी शामिल हैं, जिनकी जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग ने इन बिल्डरों के खिलाफ नोटिस भेजा है, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट और बुकिंग की जानकारी आयकर विभाग को दें। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ बिल्डरों ने कई फ्लैटों की बुकिंग 8 नवंबर से पहले की दिखाई और बड़ी मात्रा में पैसा पुरानी बुकिंग के नाम पर बैंकों में जमा कराया। काले धन के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर मात्र 10 दिनों के अंदर 14,000 से ज्यादा शिकायतें ये बता रही है कि जनता काले धन के खिलाफ सरकार के साथ इस मुहिम में तेजी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जिस तेजी के साथ जनता काले धन के खिलाफ सरकार के साथ कदम से कदम मिला रही है, उसे देखकर लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब काले और सफेद का खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की देश में सिर्फ एक ही जगह होगी, वो है जेल की सलाखें। कैमरामैन बंसीलाल डोगरा के साथ नीरज सिंह, DD News दिल्ली।